हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं हाँ अमनदीप लेके हाजिर आए एंटरटेनमेंट दा सेगमेंट यानी कि स्पाइसी रील्स। जी हाँ, बॉलीवुड बॉलीवुड दे विच की खास चल रहा है, कौन कितने स्पॉट होया, किसका जन्मदिन है, या फिर किसने किसनों केड़ी चीज कह दती है, या किसकी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, और किसकी केड़ी फिल्म आ रही है। आओ इन्हें सब ते पा लैने आ एक नजर। आर्या बब्बर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर आर्या बब्बर, दिग्गज अदाकार, पॉलिटिशियन राज बब्बर, नादिरा बब्बर के बेटे ने आज आर्या बब्बर अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने साल 2002 अबके बरस के नाल डेब्यू किया। अबके बरस फिल्म दे विच आर्या बब्बर के ऑपोजिट अमृता राव सी। इस फिल्म के बाद आर्या बब्बर ने कई हिंदी फिल्मों दे विच काम किया, लेकिन उन्हां दीयां फिल्मां बॉक्स ऑफिस ते कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईयां। लीड एक्टर दे इलावा आर्या ने कई फिल्मां दे विच बतौर सपोर्टिंग एक्टर भी काम किया। आर्या बब्बर ने सलमान खान दे नाल रेडी दे विच भी काम किया, हालांकि इस दे नाल भी उन्हां दे करियर नूं रफ्तार नहीं मिली। कुछ अजिहा ही हाल फिल्म रेडी, मटरू की बिजली का मंडोला, गुरु वर्गियां फिल्मां दे विच रहा, जिस विच उन्हां नूं सपोर्टिंग किरदार दे विच देखा गया। दस दिए कि आर्या बब्बर भावें ही एक्टिंग दी दुनिया दे विच अपनी पहचान बनाउण दे लई संघर्ष कर रहे ने, लेकिन उन्हां नूं लिखण दा भी बेहद शौक है। उन्होंने पुष्पक विमान नाम की कॉमेडी बुक लिखी, जिसनु काफी पसंद किया गया। आर्या बब्बर बिग बॉस 8 दे विच भी नजर आ चुके ने, हालांकि उस शो दे विच भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। इस शो दे विच उन्हां दा नाम मनीषा लांबा दे नाल जुड़िया। शो खत्म होने दे बाद उन्होंने कहा कि वह मनीषा लांबा दे नाल रिलेशनशिप दे विच रह चुके ने। उन्होंने कहा सी कि वह दोनों एक पंजाबी फिल्म दे सेट ते मिले सी। बाद विच एक्टर नूं अपने इस बयान दी वजह दे नाल माफी भी मंगनी पई सी। एक्टिंग विरासत विच मिलन दे बाद आर्या बब्बर थिएटर आर्टिस्ट भी रहे ने। उन्हां नूं पंजाबी फिल्मां दा भी ऑफर मिलिया अते पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री दे विच आर्या बब्बर दी गड्डी निकल पई। उन्हां दी पंजाबी फिल्म अनमोले सब तों ज्यादा पसंद कीते जाण वाली फिल्मां दे विचों इक है, लेकिन हौली हौली पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री दे विच भी उन्हां दी चमक फिक्की पैण लगी। आर्या बब्बर ने संकट मोचन महाबली हनुमान दे विच रावण दा किरदार भी निभाया सी। जी हाँ, तुहानूं दस्सीए कि आर्या बब्बर दी अदाकारी तां बाकमाल है, पर आर्या बब्बर नूं ओह पहचान नहीं मिली जिस पहचान दे लई उन्हां ने काम करना चाहिया। जी हाँ, आर्या बब्बर ने काफी संघर्ष किया। बिग बॉस 8 दे विच आउण तों बाद भी उन्हां नूं कुछ खास हाइप नहीं मिली, पर यह अदाकार अज अपना जन्मदिन मना रहा है। उन्होंने उन्होंने जन्मदिन से हार्दिक मुबारकबाद। इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी उर्फी जावेद अते ड्रामा क्वीन राखी सावंत जेकर इकट्ठे नजर आ जाण तां धमाल होना तय। एक पासे जिथे उर्फी अपने अतरंगी फैशन सेंस नूं लै के सुर्खियां दे विच बनी रहिंदी है, उत्थे ही दूसरी साइड राखी सावंत अपने बेबाक अंदाज दे लई अते बेबाक गल्लां अते डांसिंग मूव्स नूं लै के वायरल हो जांदी है। दोनों एक्ट्रेसेस नूं इकट्ठे देखण दे लई उन्हां दे फैंस हमेशा ही बेताब रहिंदे ने। उत्थे दोनों एक्ट्रेस नूं फिर तों इकट्ठियां स्पॉट कीता गया। दरअसल दोनों एक्ट्रेस फिर तो एक पार्टी दे विच देखियां गईयां, जिसके वीडियो सोशल मीडिया उत्ते खूब वायरल हो रहे हैं। वीडियो दे विच देखा जा सकता है कि एक्ट्रेसेस मौज मस्ती करती हुई दिखाई दे रही ने। इस वायरल वीडियो दे विच राखी सावंत ब्लैक साड़ी दे विच सिजलिंग डांस मूव्स करती हुई अपनी फ्रेंड उर्फी जावेद नूं डांस मूव्स सिखाउंदी नजर आ रही है। इसे दे चलते उर्फी जावेद भी अपनी बेस्ट फ्रेंड दे डांस स्टेप्स नूं कॉपी करन दी कोशिश करदी दिखाई दे रही है, लेकिन वो राखी दी तरह डांस स्टेप्स नहीं कर पाउंदी। इसे नूं लैके एक्ट्रेस उर्फी जावेद अपना मजाक उड़ाउंदी हुई कहंदी है कि मैनूं अजिहा लग रहा है कि मैं तड़पती हुई मछली हाँ तुहाडी अगे। इसे दे नाल उर्फी हसते हुए कहंदी है कि ये सब मैं नहीं कर सकती। लो जी, पहला उस वीडियो ते पा लैने आ नजर। राखी सावंत उर्फी जावेद किवें डांस करदियां नजर आ रहियां ने अते उर्फी अपना मजाक उड़ाउंदे हुए नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकती, मेरा तो कुछ हिलदा ही नहीं।
उर्फी जावेद की इसे गल ते मस्ती भरे अंदाज राखी सावंत उन्होंने डांस करने के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन फिर भी उर्फी डांस नहीं कर पाती। जी हाँ, तो उर्फी डांस ना करन नूं ही बेहतर समझती है। दोनों एक्ट्रेसेस दे इस वायरल वीडियो का लोग खूब मजाक भी बना रहे हैं। उथे कई यूजर्स उन्होंने एक ही कैटेगरी दियां समझते हैं। दूसरे ने लिखा कि एक कट सी जो दूसरी भी आ गई। दस दिए कि यह पार्टी उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम से 3 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होने की खुशी के विच कीती गई। पार्टी के विच राखी सावंत उर्फी जावेद के कई दोस्त पहुंचे और मस्ती करते हुए नजर आए। दोनों एक्ट्रेसेस चोली के पिछे गाने से भी थिरकदियां हुई दिखाई देती, जिस विच उर्फी एक वाइट बोल्ड आउटफिट के विच नजर आ रही है और उन्हों का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कंग्रेचुलेशन के 3 मिलियन हो गए तुम्हारे, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे 300 मिलियन और ठीक है 300 मिलियन हो और भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। दुबई सबके साथ, दुबई मेरा अगर मैं जिंदा हूँ तो पक्का। हाँ, मेरे भी 5 मिलियन तो होने ही चाहिए। और नेक्स्ट टाइम हम दोनों बॉटल की ड्रेस पहनेंगे, हर जगह बोतल ही बोतल। मैं राखी के लिए ड्रेस बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम। हाँ, मैं बनाऊंगी। तुम ग्लास बनना, मैं बोतल पहनूंगी। हैं? बेस्ट। बोतल की ड्रेस कैसी लगेगी? देखिए, बहुत अच्छा है कि उर्फी आज पार्टी थ्रो की है कि 3 मिलियन हो गए हैं, एंड दैट्स रियली नाइस कम से कम वक्त में, बिकॉज शी इज अ हार्ड वर्किंग। एवरी टाइम वो अपने अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनकर देखती है। मैं बहुत लाइक्स मारती हूँ और मुझे सबके फोन आते हैं, तुम क्यों लाइक्स मारती हो? अरे वो मेरी स्वीटहार्ट है, मेरी जान है। थैंक यू सो मच, थैंक यू राधे, थैंक यू। वो मैं क्यों बताऊँ? ये चाची, चाची 420, चाची 820 है चाची। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शी इज डूइंग हार्ड वर्क एंड जियो जीने दो, मैंने पहले भी कहा है। और ठीक है, सबकी अपनी मर्जी है। अब तो हम तो साड़ी में आ गए, क्योंकि अब तो आदिल ने सेक्सी साड़ी, सेक्सी। आदिल ने कहा कि अब मुझे आई वांट यू, यू नो आदिल, यार है यार। शी इज द फर्स्ट गर्ल, जब मैं मैसूर गई थी, एंड शी आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू नो अबाउट आदिल। या शी इज द फर्स्ट, सबसे पहले व्हेन हम लोग ही प्रपोज मी विद BMW, तो शी इज द वन। सबसे पहले राखी ने मुझे कॉल किया था। कितनी प्यारी दोस्ती है, देखो। कोई पेरेंट्स को बताता है, हम दोस्तों को बताते हैं। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म अनेक दर्शकों को एक जरूरी मिशन से लेके जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, अनेक का ट्रेलर भी रिलीज किया गया। जी हाँ, तुहानू दस दिए कि आयुष्मान खुराना भी इस फिल्म नू प्रमोट करने के लिए कोई कसर नहीं छड़ रहे। वो लगातार अपनी इस फिल्म नू प्रमोट करते हुए स्पॉट हो रहे हैं। जी हाँ, आयुष्मान खुराना पहली बार अपने करियर दे विच एक अंडरकवर कॉप की भूमिका दे विच नजर आएंगे। वड्डे पैमाने अते वड्डे कैनवस ते फिल्माई गई इस फिल्म नू नॉर्थ ईस्ट दे असाधारण लोकेशन से शूट किया गया। फिल्म दे विच ना केवल दिलचस्प स्टंट है बल्कि ग्रिपिंग एक्शन सीक्वेंसेस भी दिखाई देंगे। अनेक दे विच कई प्रतिभाशाली कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन किया है। जी हाँ, डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की पिछली फिल्म मुल्क आर्टिकल 15 थप्पड़ की तरह इस फिल्म दे विच भी असी वड्डे पर्दे ते कुछ अलग दिखाने की उम्मीद रखते हैं। फिल्म नू लेके आयुष्मान खुराना का कहना है, अनेक सही विच एक भारतीय होने की भावना का जश्न मनाती है। अनुभव सर ने इस फिल्म के नाल अपनी भावुक कहानी के नाल एक नवा बेंचमार्क स्थापित किया है। मेरे किरदार ने मैनू शरीरक अते मानसिक रूप के विच उन्हां चीज़ां नू करन दे लई मजबूर किया जो मैं पहला कदे नहीं किया। सही मार्गदर्शन अते जेकर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि इस दे नाल मैं किरदार नू फिल्म दे लई अनुभव कीतियां गईयां हर चीज़ां नू जीवंत करन दे लई अपना सब तो वधिया शॉट्स दिते ने। जी हाँ, तुहानू दस दिए कि इस फिल्म नू लगातार वो प्रमोट करते हुए नजर आ रहे ने। इस फिल्म की एक होर खास गलबात है, इस फिल्म दे विच एक्ट्रेस जो है वो भी खास है। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की यह फिल्म 27 मई को सिनेमाघर रिलीज़ होने वाली है। अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन दे विच बनी यह फिल्म पोलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है। मूवी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सैट है। आयुष्मान खुराना के नाल इस फिल्म दे विच असमी एक्ट्रेस नजर आएगी। जी हाँ, अनेक दे नाल और बॉलीवुड डेब्यू भी करन जा रही है। दस दिए कि उन्हों का नाम है एंड्रिया
इंडियन मॉडल है वो नागालैंड तो नहीं। नागालैंड दी कोहिमा दे विच 18 फरवरी 2021 नू जन्मी एंड्रिया दी क्यूटनेस दे फैंस फिदा ने। जी हाँ, तुहानू दस दिए कि हुण फिल्म अनेक नू प्रमोट करन दे लई आयुष्मान खुराना अलग अलग तरीके दे नाल फिल्म नू प्रमोट कर रहे ने। हाल ही दे विच उन्हां नू फिल्म नू प्रमोट करदे स्पॉट किया गया, आओ नजर पाउने आ। बॉलीवुड के एक्शन खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार और मानुषी शिल्लर का रोमांटिक अंदाज फैंस पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, तुहानू दस दिए कि हाल ही अक्षय कुमार और मानुषी शिल्लर की फिल्म आ रही है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज को प्रमोट करने के लिए अक्षय कुमार अपनी जिन जान लगा रहे हैं। तुहानू दस दिए कि अक्षय कुमार और मानुषी शिल्लर अक्सर ही अपनी इस फिल्म को प्रमोट करते हुए स्पॉट किए जा रहे हैं। अक्षय कुमार और मानुषी शिल्लर अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए अलग अलग सैट्स से पहुंच रहे हैं और अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हाल ही अक्षय कुमार और मानुषी शिल्लर को पेपराजी ने स्पॉट किया जदों अपनी पृथ्वीराज दे प्रमोशन दे विच बिजी सी। वीडियो दे विच अक्षय कुमार नू मानुषी शिल्लर दे नाल रोमांटिक पोज देंदे हुए देखा गया। जी हाँ, आओ पहला इस वीडियो ते पौने आ एक नजर। जी हाँ, तो तुसी देखिया कि अक्षय कुमार अते मानुषी शिल्लर की कैमिस्ट्री जो है पेपराजी दे अगे भी खूब जम रही है ते इस तरीके दे नाल फिल्म दे विच भी उन्हां दी कैमिस्ट्री देखन वाली होवेगी। जी हाँ, इसी दे नाल दस्सिए कि फैंस नू इन्हां दा अंदाज काफी पसंद आ रहा। दस्सिए कि फिल्म पृथ्वीराज अगले महीने 3 जून नू रिलीज होवेगी। दस्सिए कि मानुषी शिल्लर जल्द ही अक्षय कुमार दी पीरियड ड्रामा पृथ्वीराज दे नाल अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली है। साबका मिस वर्ल्ड अते खिलाड़ी कुमार ने अपनी फिल्म दे प्रमोशन पूरे जोश दे नाल शुरू किए ने। जी हाँ, इस तो इलावा जेकर गल करिए ता अक्षय कुमार ने मानुषी दे जन्मदिन दे 10 दिन बाद भी उन्हां नू केक दे के सरप्राइज किया सी। जी हाँ, बर्थडे सी 14 मई 2022 नू, पर उन्होंने 10 दिन तो बाद भी उन्हों का केक कटवाया। हुण गल कर लिए पृथ्वीराज की, तो मानुषी शिल्लर की डेब्यू फिल्म पृथ्वीराज की गल करिए, फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज़ हो गया तो यह 3 जून में सिनेमाघर रिलीज़ होगी। फिल्म के अक्षय मानुषी के इलावा संजय दत्त, सोनू सूद, आशुतोष राणा, मानव विज मुख्य भूमिकावान हो। फिल्म के अक्षय जिथे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भूमिका दिखाई देने, उतें मानुषी राजकुमारी संयोगिता के रूप दिखाई देगी। इस फिल्म की सब तो खास गल यह है कि जिथे मानुषी इस फिल्म दे नाल बॉलीवुड दे विच कदम रखन जा रही है, तो उथे ही यह अक्षय की पहली पीरियड ड्रामा फिल्म है। इस नूं लैके वो काफी एक्साइटेड ने। कोरोना वायरस के बाद एक बार फिर कांस रेड कारपेट के सितारों का जमावड़ा देखने को मिला। इंटरनेशनल लेवल से इंडियन सेलेब्स ने भी देसी तड़का लगाया। कांस 2022 दे विच दीपिका पादुकोण दे नाल होर कई सेलेब्स ने इस रेड कारपेट ते शिरकत की, जिथे ऐश्वर्या राय दे लुक लाजवाब रहे। हिना खान अते होर कई सेलेब्स ने इस मौके अपनी लुक्स दे नाल चार चंद लगा दिते। पहला उन्हां दी लुक्स ते पाउने आ नजर, फिर करदे आ अगली गल। ज
जी हाँ, कांस फिल्म फेस्टिवल दे विच तुसी देखा कि अलग अलग सैलीब्रिटीज़ ने अपने लुक के नाल चार चांद लगाए। इसे दौरान जेकर गल करिए कांस 2022 दे विच दीपिका पादुकोण किसी विजुअल ट्रीट तो घट नहीं रही। जी हाँ, 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल दे विच दीपिका अपने लुक्स के नाल फैंस का दिल चुरा रही है। भावें ही दीपिका की पहली लुक नू फैंस ने पसंद ना किया होवे, लेकिन इसके बाद सारे लुक्स दे विच एक्ट्रेस ने कहर डाया। इस फेस्टिवल के 6वें दिन बॉलीवुड की मस्तानी का रेड कारपेट के दिलकश अंदाज नजर आया। शिमरी ब्लैक फ्लोर लेंथ बॉडीकॉन ड्रेस दे विच दीपिका बेहद गॉर्जियस लग रही सी। ब्लैक ड्रेस दे नाल न्यूड मेकअप अते स्मोकी आईज दे विच एक्ट्रेस बेहद हॉट लग रही सी। इस दे नाल मैसी बन अते मैचिंग इयररिंग्स उन्हां दे इस लुक नूं चार चांद लगा रहे सी। फैंस दीपिका दी इन्हां तस्वीरां नूं खूब पसंद कर रहे ने। दस दईए कि इस बार दीपिका कांस फिल्म फेस्टिवल दे विच बतौर जूरी भी शामिल हुई। इस जूरी दे विच 9 लोग शामिल हुए, जिन्हां विच फिल्म मेकर रबिका हॉल, स्वीडिश एक्टर नूमी रेपेस, इटालियन एक्टर जैसमिन ट्रिंका, ईरानी फिल्ममेकर असगर फरहादी, फ्रेंच फिल्ममेकर लेजली जेफ निकोलस अते डायरेक्टर वाकहिम ट्रियर भी सी। जी हाँ, दीपिका दी इस लुक नू खूब पसंद किया गया। आओ दीपिका दिया इना लुक्स ते पा लैने आ एक नज़र। बॉलीवुड की बेहतरीन डांसर या फिर कह लिए दिलबर गर्ल तो एक्ट्रेस नोरा फतेही यानी दिल्ली रियलिटी शो डांस दीवाने जूनियर बतौर जज नजर आ रही है। शो के हर एक एपीसोड नोरा का सुपर ग्लैमरस अवतार और बोल्ड अंदाज देखने मिल रहा है। इसे कड़ी दे एक्ट्रेस के सैट तो बाहर एक स्पॉटेड वीडियो इंटरनेट से ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है, जिस विच उन्हां दी हॉटनेस देख फैंस दिल हारते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हाल ही दे विच नूरा फतेही दा लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। तुहानू दस दईए कि हाल ही दे विच नूरा फतेही नूं पेपराजी ने अपने कैमरिआं दे विच कैद किया। इस दौरान एक्ट्रेस ऑरेंज कलर की थाई हाई सल्ट बॉडीकॉन ड्रेस दे विच बेहद स्टनिंग नजर आ रही है। इस दे नाल ही उन्होंने गोल्डन हाई हील पहन रखा, नाल ही गोल्डन एक्सेसरीज पहन अपनी लुक नूं कंप्लीट किया। उथे खुले सॉफ्ट करली बालों दे नाल सटल मेकअप उन्हां दी खूबसूरती दे विच चार चांद लगा रहे ने। नूरा फतेही सुपर हॉट अंदाज वाला वीडियो इस समय इंटरनेट पर छाया हुआ, इससे लोग वक-वक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दस दईए कि नूरा फतेही स्ट्रीट डांसर, बटाला हाउस, रॉकी हैंडसम, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, लोफर वर्गे फिल्मों के विच काम कर चुकी है। इस दे नाल ही उन्होंने बिग बॉस 9 अते झलक दिखलाजा वर्गे टीवी शोज़ के विच भी काम किया। इन्हीं दिनी एक्ट्रेस रियलिटी शो डांस दीवाने जूनियर्स के जज के तौर पर देखी जा रही है। उधर ही जेकर गल करिए इस दौरान मर्जी अते नीतू सन्नू भी स्पॉट किया क्या। आओ इन्हां दी इस स्पॉटेड वीडियो ते पा लैने आ एक नज़र। यो यो हनी सिंह अते गुरु रंधावा हर बार अपने गाने दे नाल फैंस नूं दीवाना बना लैंदे ने। उन्हां दा हर गाना जो रिलीज़ हुंदा है उसते दीवाने हो जाते हैं लोग, अते रिलीज़ हुंदे ही गाना वायरल हो जाता है। इस बार गुरु रंधावा ते यो यो हनी सिंह फिर तो इकट्ठे नजर आए। भूषण कुमार दे सब तो वड्डे कलैबोरेशन दे तहत रिकॉर्ड ब्रेकिंग आर्टिस्ट गुरु रंधावा ते यो यो हनी सिंह नूं मोस्ट एंटीसिपेटेड ट्रैक डिजाइनर दे लई इकट्ठे लैके आया गया। हाई रेटेड गबरू, पटोला, लाहौर, डांस मेरी रानी वर्गे कई हिट गाणियां दे बाद गुरु रंधावा ने हनी सिंह दे नाल हाथ मिलाया, जो अपने प्रसिद्ध हिट ब्लू आईज देसी कलाकार उर्वशी दे लई जाने जांदे ने। इस दे अलावा सैया जी दे नाल ओटी सीरीज लेवल दे तहत भूषण कुमार दे डिजाइनर दे नाल धमाल मचाउंदे हुए नजर आए। जिया तुहानू दस दईए कि इन्हां दा गाणा सुपर उपर हिट रहा। म्यूजिक इंडस्ट्री दे विच अजिहा कलैबोरेशन पहली बार देखा गया, जिथे दो पंजाबी म्यूजिक सेंसेशन दिव्या कुमार खोसला दे नाल सोंग डिजाइनर दे लई इकट्ठे नजर आए।
दिव्या दी प्रेजेंस ने इस गाने नु चार चांद लगा दिते। इस म्यूजिक वीडियो नु मेहर गुलाटी ने डायरेक्ट किया। दर्शकों नु जिस धमाके की उम्मीद सी ओ धमाका इन्होंने कर दिखाया। जी हाँ, तुहानू दस दिए कि दिव्या खोसला, यूयू हनी सिंह, गुरु रंधावा अते होरां ने मिलके इस गाने का सक्सैस भी इंजॉय किया। जी हाँ, उन्होंने इस गाने की सक्सैस पार्टी भी रखी। आओ उन्होंने सक्सैस पार्टी से भी एक नज़र पाने। परमिशन तो नहीं ली थी कोई भी, बट या आई मीन कॉस्ट्यूम्स में काफ़ी मेहनत की है, बिकॉज यू नो लाइक उन्होंने बोला कि मैंने अभी तक क्यूट क्यूट रोल्स ही किए हैं एंड दिस वॉज थोड़ा ऑन द हॉट साइड, सो कॉस्ट्यूम्स डेफिनेटली मुझे हर्ट हो रहे थे, बट आई टुक इट एज अ चैलेंज एंड आई ट्राई टू लाइक डिलीवर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। देन ये जो आउटफिट था ये तो बहुत ही मुश्किल आउटफिट था, बिकॉज आई कुडंट इवन सिट इन इट फॉर 7 आवर्स, बिकॉज वो इतना पोक हो रहा था, टोटली मेटल का था। बट आई थिंक इन आर जॉब, इन आर फील्ड, यू नो स्पेशली जब आप म्यूजिक वीडियो कर रहे हो तो आउटफिट्स काफ़ी डिमांडिंग होते हैं, तो आप इतना क्रिब नहीं कर सकते, यू हैव टू डिलीवर व्हाट्स रिक्वायर्ड ऑफ यू। एंड ऑफकोर्स माई डायरेक्टर वॉन्टेड ऑल ऑफ दिस, सो मेरी इनके साथ बहुत तू तू मैं भी हुई और ये बाद में मुझे बोल रहे थे कि मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी तू तू मैं मिस हो करते जो अब नहीं हो पा रही। बट इट वॉज अ वेरी इट वॉज ग्रेट अमेजिंग वर्किंग विद हनी, विद गुरु, विद मिहिर जी एंड कोलैबोरेटिंग विद ऑल ऑफ देम। एक्ट्रेस अते बिग बॉस फेम माहिरा शर्मा। जी हाँ, माहिरा शर्मा अपनी खास लुक्स के लिए जानी जाती है। माहिरा शर्मा अपनी क्यूटनेस से चलते फैंस का दिल जीत लेती है, चाहे पतले हो या गोल मोटोल, हर इंसान बॉडी शेमिंग का शिकार हो सकता है। अजिहा नहीं है कि जेकर तुसी ही मोटे हो तो तुहानू ही बॉडी शेमिंग झेलनी पवेगी। सारे सेलेब्स जो अपनी जिंदगी नू लेके लोकां दीआं नजरां दे विच जींदे ने, ओह भी इस तरह दीआं समस्यावां दा सामना करदे ने। अजिहा ही कुछ बिग बॉस 13 फेम माहिरा शर्मा दे नाल हो रहा है। कुछ समय तो माहिरा दे वधे हुए वजन नू लेके काफी चर्चा हो रही है। माहिरा नू अक्सर ही फैट शेम दा सामना करना पै रहा है। पिछले दिन उन्हां दा एक वीडियो भी वायरल हो जिस विच उन्हां नू मोटे कहण तों बाद इंटरव्यू तों भजदी हुई नजर आई सी। इसे दे नाल जेकर गल करिए तां हुण हाल ही दे विच उन्हां नू एयरपोर्ट ते स्पॉट कीता गया। जी हाँ, बीते दिन ही उन्हां नू एयरपोर्ट ते पेपराजी ने स्पॉट कीता ते वधे हुए वजन ते कॉमेंट कर दिता। इस दे बाद माहिरा शर्मा काफी गुस्से दे विच आ गई। खैर, अपना गुस्सा तो वह ज्यादा दिखा नहीं पाई, लेकिन उन्होंने एक्सप्रेशन दस रहे थे कि वह काफी खफा हो गई। उथे ही एक बार फिर माहिरा नू मुंबई एयरपोर्ट से स्पॉट किया गया। इस दौरान उन्होंने स्टनिंग लुक देखने मिलिया। लुक की गल करिए माहिरा टी शर्ट और ब्लू डेनिम शॉर्ट्स नजर आई। डेनिम शॉर्ट माहिरा अपनी टोन्ड लैग्स फ्लॉन्ट कर रही थी। अपनी नैचुरल ब्यूटी फ्लॉन्ट करने के लिए माहिरा ने नैचुरल मेकअप रखा हुआ है। इस नाल ही उन्होंने व्हाइट स्निकर्स कैरी किए। एयरपोर्ट से माहिरा ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए पोज दिए। माहिरा नू अक्सर ही फैट शेम का सामना करना पै रहा, लेकिन हद तक तत हो गई जब एक रिपोर्ट ने माहिरा नू वजन नू लेके सवाल कर दिता। उधर रिपोर्टर के सवाल से माहिरा काफी पड़ गई थी। दरअसल माहिरा शर्मा के लिए एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया गया। इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर पंजाबी दे विच कहन लगा कि लोग सेलेब्स नू किसी भी तरीके दे नाल जीन नहीं देंदे। लोग कहिंदे ने ज्यादा पतले हो गए तो कदी कहिंदे ने ज्यादा मोटे हो गए। इसे दे नाल उन्होंने कहा कि इन्हां दे नाल भी यही हो रहा है, मेरे नाल है माहिरा शर्मा। रिपोर्टर माहिरा शर्मा तो अगे सवाल करन ही वाला सी, लेकिन उस तो पहला ही रिपोर्टर दी गल सुन माहिरा गुस्से दे विच पड़ गई। माहिरा ने गुस्से विच आके कहा कि मैनू एक क्वेश्चन पसंद नहीं आया अते कहंदे हुए वो अगे चले गए। काम दी गल करिए तो माहिरा कई पंजाबी सॉन्ग्स दे विच अते हिंदी सॉन्ग्स दे विच नजर आई। माहिरा सिंगर रंजीत बावा दे नाल फिल्म लैम्बोर्गिनी दे विच भी नजर आउण वाली है। जी हां, पर माहिरा शर्मा दा ए एयरपोर्ट लुक देखते ही फैंस उन्हां ते दिल हारते हुए नजर आए। आओ उन्हां दी लुक ते पाउने आ एक नजर।
फिल्म निर्माता करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसन काफ़ी पसंद किया जा रहा है। फिल्म के वरुण धवन, कियारा अडवाणी, नीतू कपूर और अनिल कपूर नजर आने वाले ने। यह एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म अगले महीने 24 जून सिनेमाघर रिलीज होगी। लेकिन फिल्म के रिलीज तो पहला ही फिल्म निर्माता करण जौहर से चोरी का आरोप लग चुका है। जी हाँ, सोशल मीडिया से एक राइटर और पाकिस्तानी सिंगर ने करण जौहर से इस फिल्म की कहानी और गाने चुराने का आरोप लगाया, जिसके बाद ही यूजर्स उन्होंने जम के खरी खोटी सुनाने लगे। जी हाँ, पाकिस्तान के सिंगर अबरार अल हक का आरोप है कि उन्होंने किसी भी भारतीय फिल्म को नच पंजाबन गाने का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहना है कि करण जौहर वर्गे प्रोड्यूसर किसी होर के गाने को कॉपी नहीं करना चाहिए। हालांकि इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स रखने वाली कंपनी टी सीरीज का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। ताज़ा विवाद से हजे तक करण जौहर की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अबरार गायक होने के नाल नाल राजनीति दे विच भी ने अते पाकिस्तान दे साबका प्रधानमंत्री इमरान खान दे समर्थक ने। जी हाँ, तुहानू दस दिए कि बॉलीवुड ते जो है इसका असर पिया। जी हाँ, हुण करण जौहर दियां इन्हां गल्लां दे चर्चे चार चुफेरे ने। दोनों ही देशों के कलाकार लगभग बराबर इकट्ठे काम कर रहे ने। बीते दिन ही जुग जुग जियो का ट्रेलर लॉन्च होया। इस फिल्म दे विच वरुण धवन, कियारा अडवाणी, नीतू कपूर, अनिल कपूर समेत होर कलाकार ने। इस दे निर्देशक ने राज मेहता ते प्रोड्यूसर ने करण जौहर। ये फिल्म 24 जून नू रिलीज होने वाली है। फिल्म दे ट्रेलर नू इस दे कलाकार हजे शेयर ही कर रहे सी कि इस दे गाने दी कॉपी करन दे आरोप लग गए। करीब 3 मिनट दा ट्रेलर दे विच एक धुन वजदी है जिस दे बारे दे विच दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान दे गायक अबरार उल हक दे बेहद हिट गाने दे विचों एक है। ये दावा खुद अबरार ने ही किया। अबरार ने एक ट्वीट दे विच कहा, मैं अपना गाना नच पंजाबन किसी भी भारतीय फिल्म नू नहीं बेचा अते डैमेज क्लेम दे ले मेरे कोल कोड जान दा अधिकार है। करण जौहर वर्गे प्रोड्यूसर नू गाना कॉपी करने दे ले गाना कॉपी करके फिल्म दे विच इस्तेमाल नहीं करना चाहिदा सी। ये मेरा 6वां गाना है जिस नू कॉपी किया गया अते इसकी किसी भी तरह के नाल ओ अनुमति नहीं देंगे। इसके बाद उन्होंने एक होर ट्वीट किया ते लिखा कि नच पंजाबन गाने का लाइसेंस किसी कोल नहीं दिता गया। हुण कोई ये दावा कर रहा है तां तथ पेश करे, मैं इस नू लेके कानूनी कार्रवाई करांगा। उधे टी सीरीज ने एक ट्वीट दे विच गाने दी चोरी दे आरोपों तो इनकार करते हुए कहा कि साडे कानूनी तौर ते नच बलिए गाने दा इस्तेमाल करन दे राइट्स खरीदे ने, जो कि आईट्यून ते 1 जनवरी 2002 नू रिलीज हुई सी अते मूवी बॉक्स दे मालिकाना हक वाले लॉलीवुड क्लासिक्स यूट्यूब चैनल ते उपलब्ध है। इस ट्वीट दे विच टी सीरीज ने मूवी बॉक्स नू टैग भी किया। मूवी बॉक्स ने एक ट्वीट दे विच कहा कि नच पंजाबन दा लाइसेंस जुग जुग जियो दे विच शामिल करन दे लई लिया गया। टी सीरीज करण जौहर अते धर्मा मूवीज दे कोल अपनी फिल्म दे इस गाने दा इस्तेमाल करन दे कानूनी अधिकार ने। अजिहे विच अबरार उल हक दा मानहानि वाला ट्वीट पूरी तरह दे नाल उन्होंने कहा अस्वीकार्य है। बिग बॉस 13 फेम शहनाज गिल एक्ट्रेस इन्हीं दिनी सोशल मीडिया से काफ़ी एक्टिव रहती है, जिथे अपनी क्यूट तस्वीरां ते वीडियोस पोस्ट करती रहती है। अदाकारा शहनाज गिल दा कभी ईद कभी दिवाली तो लुक भी सामने आ गया, जी हाँ, जो लगातार सोशल मीडिया से वायरल होया। तो तुसी देखिया कि कभी ईद कभी दिवाली तो शहनाज गिल दी ए वीडियो खूब वायरल हो रही है जिस विच उन्हां दा लुक रिवील होया। हुण हाल ही दे विच अदाकारा शहनाज गिल ने इंस्टाग्राम ते अपना एक बेहद ही दिलचस्प वीडियो पोस्ट किया जिस तो ब्रिटनी स्पेयर्स दे गीत ते अपना हॉट अंदाज दिखाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, अपने हॉट अंदाज दे विच डांस करती नजर आ रही है। उन्हां दा ये वीडियो सोशल मीडिया ते काफ़ी वायरल हो रहा अते काफ़ी चर्चा दे विच है। इस वीडियो नू ब्लैक एंड वाइट वाले फिल्टर दे नाल बनाया गया। वीडियो दे विच देख सकते हो कि उसने प्रिंटदार पजामा पहनया होया, नाल ही शर्ट पहनी हुई है। वीडियो च उसकी हॉट अदामा हर एक नू खूब पसंद आ रही ने। सोशल मीडिया उत्ते ये वीडियो बार बार देखा जा चुका है। जी हाँ, तो तुसी देखिया कि शहनाज गिल दा अंदाज काफ़ी खूबसूरत सी। इस तो इलावा शहनाज पहला भी अपनी खूबसूरत वीडियोस शेयर कर चुकी है। जे गल करिए शहनाज गिल दे वर्क फ्रेंड दी तां ओ इन्हीं दिनी सलमान खान स्टारर फिल्म कभी ईद कभी दिवाली दी शूटिंग कर रही है। जी हाँ, ओ कभी ईद कभी दिवाली दे नाल बॉलीवुड जगत दे विच डेब्यू करन जा रही है। शहनाज गिल दे प्रशंसक काफ़ी एक्साइटेड ने। दस दिए कि शहनाज गिल पंजाबी फिल्मां ते पंजाबी म्यूजिक वीडियो दे विच अपनियां अदावां बखेर चुकी है।
ਇਸਾ ਨਾਲ ਜਿਹਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਜਨਾ ਤੇ ਮਾਰੀ ਆਪਾ ਚਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਾਈਸੀ ਰੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ